नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं हेमंत कुमार। बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई फिल्म निर्माताओं के लिए शक्तिशाली माध्यम बन चुके हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म फिल्मों के साथ साथ वेब सीरीज की बाढ़ सी यहाँ पर आई हुई है और जिस पर कोई सेंसरशिप नहीं है। वेब सीरीज के जरिए पिछले कुछ सालों में विवादास्पद राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक सामग्री को दर्शकों के सामने रखा गया, जिसे फिल्मों में बिना सेंसर किए रिलीज करना लगभग असंभव था। वर्तमान में सोशल मीडिया पर एक वर्ग इन शो के बारे में बहुत गुस्से में है और वेब श्रृंखला को सेंसर करने के लिए कह रहा है। तो कई निर्देशक सेंसर के खिलाफ हैं और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। अब साधु और संत समाज की तरफ से वेब सीरीज के जरिए हिंदू धर्म को अपमानित करने का आरोप लगाया गया है। स्वामी दीपांकर महाराज के मुताबिक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगातार नई नई वेब सीरीज आ रही है। वेब सीरीज में जिस तरीके से हिंदू धर्म से जुड़ी खबरें और फिल्में पेश की जा रही है, साधु संतों का कहना है कि उसे हिंदू धर्म को नुकसान हो रहा है, इससे धार्मिक लोगों को आहत और ठेस पहुंचती है। साथ ही उन्होंने ऐसी वेब सीरीज पर लगाम कसने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को टैग करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने धर्म से जुड़ी वेब सीरीज की सेंसरशिप की वकालत की है। वहीं कई राजनेता भी इन पर पाबंदी की मांग कर चुके हैं। वेब सीरीज पर सेंसरशिप की मांग तेज हो रही है और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर के है कि क्या वेब सीरीज से हिंदू धर्म की छवि बिगड़ रही है? क्या अश्लीलता परोसने का साधन इस तरह की वेब सीरीज बनती जा रही है? इन्हीं सवालों के साथ हम खास पैनल के साथ करेंगे आज की सबसे बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं स्वामी दीपांकर महाराज का वो बयान जिसमें वो वेब सीरीज को सेंसरशिप की मांग कर रहे हैं। गत महीनों में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आई कुछ वेब सीरीज आहत भी करती हैं और धर्म की छवि को धूमिल भी करती हैं। इसे लेकर मैंने ट्वीट भी किया था मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी को टैग कर कि आप इस प्रकार के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी धर्म से जुड़ी पिक्चर या धर्म की छवि को धूमिल या श्रेष्ठ करती पिक्चर का अपनी कमेटी द्वारा जरूर रिव्यू कराएं, उसके बाद ही किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर यह रिलीज हो। आज बहुत सारे लोग आहत हैं जो कि मुझसे कहते हैं मैंने अपनी तरफ से आवाज उठाई है। जरूर मैं चाहता हूं निसंदेह पिक्चरें बने, चलचित्र गृह बने, मगर किसी छवि को धूमिल कर नहीं, सनातन जगत को आहत कर नहीं और कम से कम आध्यात्मिक लोगों को मलिन कर नहीं। तो आज इसी मसले को लेकर के बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। इस वक्त हमारे साथ संजय शर्मा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इस डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं। शिशिर चतुर्वेदी हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, और साथ ही साथ स्वाति चंद्रा हैं, मॉडल हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत आज सबसे पहले संजय शर्मा साहब आप ही से करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से वेब सीरीज को लेकर के अब ये मांग उठने लगी है कि वेब सीरीज पर सेंसरशिप होनी चाहिए, जो जिस तरह की वेब सीरीज आ रही हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी निगरानी होनी चाहिए कि क्या वो दिखा रहे हैं, क्या उसमें डाला जा रहा है, कितना आप सहमत है इस बात से, क्या लगता है आपको? तमाम ये बयान भी आ रहे हैं, तमाम लोगों की मांग भी आ रही है। हेमंत जी, मैंने देखा है जिस चीज का विरोध ज्यादा होता है इस देश में वो चीज और प्रसिद्ध हो जाती है। पिछले दिनों में कुछ पिक्चरें आई, उनका विरोध हुआ और जितनी उनको प्रसिद्धि नहीं मिलनी थी उससे चार गुना प्रसिद्धि मिली। मैं इस ख्याल का बिल्कुल नहीं हूँ कि अगर कोई किसी सीरीज में, किसी फिल्म में अगर कोई दृश्य दिखा दिया जाएगा तो उसे किसी भी धर्म को नुकसान हो जाएगा और धर्म की छवि हो जाएगी। धर्म बहुत व्यापक रूप है, किसी एक निर्माता निर्देशक पे कमेंट कर देने से, लिख देने से किसी धर्म की छवि नहीं होती। यह बात अलग है कि इस तरह का विरोध करके कुछ संगठनों की, कुछ व्यक्तियों की, कुछ राजनीतिक दलों की रोटियां जरूर सिक जाती हैं। तो अब आप विरोध, वो जो विरोध कर रहे हैं, कम से कम ये देखें कि अब दुनिया 21वीं सदी में जा रही है, हाथ में टेलीफोन रहता है, जो चाहे। सुप्रीम कोर्ट इतनी बार कह चुका, लेकिन पॉर्न मूवी रोकने का, पॉर्न साइट रोकने का कोई विकल्प भी भारत सरकार नहीं तैयार कर पाई और कर भी नहीं सकती। इंटरनेट पे आप कहीं बैठ के डार्क साइट से निकाल के कुछ भी देख सकते हैं। तो ये बड़ी छोटी मानसिकता है ये कह देना कि क्यों एक पिक्चर आ गई है, एक सीरियल आ गया, कोई टिप्पणी हो गई, हमारा धर्म खत्म खत्म हो गया। धर्म बहुत बड़ा है, हिंदू धर्म तो और बड़ा है। तो एक एक सीरियल से, एक चीज से असर पड़ जाएगा, मैं मानता नहीं हूँ।
राजनीति जरूर चल जाएगी, आलोचना जरूर हो जाएगी, कमेंट हो जाएंगे, टीवी चैनल पे लोग जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है इनसे और ब्रांड बनता है। और इन दिनों में मैं देख रहा हूँ आश्रम आया है धीरज प्रकाश झा का, और वो और हिट हो रहा है, लोग उसकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और वही लोग जरूर देख रहे हैं। तो ऐसी चीजें किसी भी को भी प्रसिद्धि देती है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाती है। बिल्कुल शिशिर चतुर्वेदी, आपको क्यों लगता है कि हिंदू धर्म की आस्था जो OTT प्लेटफॉर्म है वो प्रभावित कर रहा है, आस्था को नुकसान पहुंचा रहा है? जी, मैं स्वामी दीपांकर जी की बात से एकदम सहमत हूँ कि जो उन्होंने ट्वीट किया प्रकाश जावड़ेकर जी को, हाँ, कि इस पे एक सेंसर बोर्ड गठित होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। और इसको इस बात से जोड़ा जा सकता है कि संजय शर्मा जी ने बात कही कि बहुत सुंदर बात, कि अगर हम लोग ज़्यादा इसको चैनलों पे डिबेट कर रहे हैं और इसको करते हैं तो इसको भी एक तरीके से गलत चीज़ों को प्रोत्साहन ही मिलता है। मैं उन फिल्म निर्माताओं निर्माता करता और इन लोग से पूछना चाहता हूँ कि राम जी पे फिल्में बनती हैं, सीता जी पे, कृष्ण जी पे, तमाम हिंदू धर्म पे फिल्में बनी, सीरियल बने, उसके गुरु नानक देव जी पे बने, सिख संतों पे बने, उसके बाद आप आइए बाइबल पे बने, लेकिन ऐसा क्या इनकी हिम्मत कहाँ चली आती है जब मोहम्मद साहब जी के चरित्र पे कोई फिल्म दिखाने की बात आती है, है? या कोई इस्लामिक प्रचलनों पे कुरीतियों के ऊपर कोई फिल्म बनाने की बात आती है तो कहाँ चली जाती है उनकी हिम्मत? तो इसका जवाब ये है कि संजय शर्मा जी ने जो कहा, इसको हम लोग ज़्यादा प्रचलित ना करके एक बोर्ड के गठन को लेकर के सरकार पे दबाव बनाएं और सरकार से कहें कि इसको जल्द से जल्द इस पर बोर्ड गठित किया जाए जो इस पर पूरी निगरानी रखे और इन पर कड़ी कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़े। बिल्कुल, स्वाति चंद्रा हमारे साथ बनी हुई हैं। स्वाति, आप कितनी सहमत हैं जो शिशिर चतुर्वेदी कह रहे हैं? संजय शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको भी आपने पहले सुना। जी, जैसा कि हम देख सकते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म से पे बहुत सारी चीजें दिखाई जा रही हैं, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो भी चीजें दिखाई जा रही हैं आज के डेट में जो ट्रेंड है वो OTT प्लेटफॉर्म्स का ही है। और OTT प्लेटफॉर्म में जिस तरह से खुल के चीजें दिखाई जा रही हैं तो फिल्म निर्माता जो भी हैं उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए और हमारी जो सरकार है उनको भी इस पे कुछ ना कुछ रोक या कुछ लिमिटेशंस लगानी चाहिए। लेकिन हमारे ही अभिनेता ही तो हैं जो उसमें काम करते हैं, कुछ एक्टर एक्ट्रेस हैं वो वही हैं जो इसमें काम करते हैं। अगर कुछ आपत्तिजनक है, कुछ परेशानी वाला, किसी धर्म को ठेस पहुंचाने वाला है तो शुरुआती दौर में ही आप लोग मना कर दें अपने स्तर पर भी संगठन के तौर पर, या पैसे के लिए वहां पर सब कुछ जायज है फिर OTT प्लेटफॉर्म पर ये चीजें आती है या सार्वजनिक तौर पर आती है? कई बार फिल्मों का भी विरोध होता है। देखिए, हम एक्टर्स हैं, हमारा कोई जाति धर्म और कास्टिज्म नहीं होता है, हम एक्टिंग करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक्टर्स को और जो भी एक्टिंग करते हैं वेब सीरीज में उनको किसी भी तरह का ब्लेम करना चाहिए। जो फिल्म निर्माता हैं, जो इस तरह की स्क्रिप्ट बना रहे हैं, जो इस तरह की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और जो हमारी ऑडियंस है, चाहे तो हमारी जो ऑडियंस है, हमारी जो जनता है, वो भी ऐसी चीजें ना देखें। ये भी तो हो सकता है कि वो ना देखें, ये जी बहिष्कार कर दें ऐसे वेब सीरीज का, ऐसे फिल्मों का। शिशिर चतुर्वेदी, स्वाति कह रही हैं कि आप लोग देखें ना, अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है, कुछ किसी धर्म को आग करने वाली बात है, आप नहीं देखें, बाकी लोग देखना चाह रहे हैं उनको तो देखने दीजिए। जी हेमंत जी, इस पर मैं कहना चाहूंगा, कलाकार जो कलाकारों के बीच एक प्रतिस्पर्धा होती है, हाँ, तो वो विरोध नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है। जो रोल आते हैं या तो सक्सेस कलाकार हो, जो एस्टेब्लिशमेंट हो, जिनका हो चुका हो, तो वेब सीरीज में जो कलाकार पूरे तरीके एस्टेब्लिश नहीं हो पाते हैं उनको रोल ज्यादा मिलते हैं। तो ऐसे में अगर वो ज्यादा ये करेगा, टोका टाकी करेगा, इसमें ये कमी है, इसमें ये खराबी है, तो उसको रोल मिलना बंद हो जाएंगे। तो इनकी मजबूरी है, तो ये लोग इसको थोपेंगे दर्शकों को पे कि आप मत देखिए अगर कोई गलत चीज है। और ये बात ठीक भी है कि अगर कोई गलत चीज है या अच्छी है, आपके हाथ में मोबाइल है, आप उसमें अच्छी चीज भी देख सकते हैं और गलत चीज भी, वो तो आपके ऊपर भी है।
जी अब हालांकि शिशिर चतुर्वेदी जी दीपांकर महाराज वेब सीरीज देख रहे हैं या नहीं देखते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि उनका बयान ये जो वक्तव्य ट्विटर पर आया प्रकाश जावड़ेकर को लेकर के उन्होंने टैग किया, उसके बाद ये सवाल उठा कि भाई साधु संत भी इस मामले को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, आप लोग तो उठाते ही रहे हैं। देखिए साधु संत उठा रहे हैं, हम भी उठा रहे हैं और संजय शर्मा जी बुला रहे उठा रहे हैं और जो हमारी मॉडल जी है ये भी उठा रही है। सभी लोग का क्या कहना है कि सेंसर बोर्ड उस क्षेत्र में एक सेंसर बोर्ड गठित हो, वो उसका कार्य है, वो उसको रोके, जैसे क्राइम होता है उसको रोकने के लिए पुलिस बनी है, अदालतें बनी है, कानून बने हैं, तो उनका क्षेत्राधिकार है, वो उस पर कार्य करते हैं। इसी तरीके फिल्मों में अश्लीलता ना परोसी जाए उसको रोकने के लिए एक बोर्ड होता है जिसका कार्य होता है उस क्षेत्र पे कार्य करना, वो उस पर कार्रवाई करे। बिल्कुल संजय शर्मा जी, संजय शर्मा जी क्योंकि देखिए शिशिर चतुर्वेदी भी कह रहे हैं कि सेंसरशिप होनी चाहिए, हालांकि ये प्राइवेट प्लेटफॉर्म है और इस पर एक पूरा अनुबंध होता है, किसी को कोई अपना फिल्म या फिर कोई क्लिप्स डालना चाहता है, किसी को कोई दिखाना चाहता है तो पूरे उसका एक पैसे का खेल है ये। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई सेंसरशिप इस पर भी होनी चाहिए, जब फिल्मों पर हो रही है, फिल्मों को सेंसरशिप के बाद पास किया जाता है, तो यहाँ पर क्या दिक्कत है? सेंसरशिप व्यक्ति के दिमाग में होनी चाहिए, दिमाग में गंदगी भरी है, दिमाग में कूड़ा भरा है और सेंसर हम कर रहे हैं सामने वाली चीजों को। 1995 की मैं आपको इकट्ठा बताता हूँ, मैं एक अखबार में काम कर रहा था, उन दोनों छोटी छोटी अश्लील किताबें मिला करती थी और मैं बड़ा हैरान था कि किताबें खरीदता कौन होगा। मैंने सर्वे किया दुकानों का, उस समय इंटरनेट नहीं था तो इंटरनेट पे अश्लील सामग्री नहीं थी, तो मैंने सर्वे करके मुझे लगता था कि नौजवान इन किताबों को ज्यादा खरीद के ले जाते होंगे। 100 रुपए की किताब आती थी, नाम होता था मस्तराम। मेरे सर्वे में चौंकाने वाली बात सामने आई कि जो किताबों का सबसे बड़ा खरीदार था वो 60 साल से 65 साल के बीच के व्यक्ति थे। आप वृद्धावस्था में जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं मस्तराम की कहानियां, अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म में मस्तराम नाम से पिक्चर आ गई और खूब लोगों ने देखी। आपका दिमाग में जहन में जब गंदगी भरी है तो कोई सेंसर आपको दूर नहीं कर सकता। सनी लियोनी ने कंडोम के ऐड कर दिया तो सारी नैतिकता के सवाल खड़े हो गए, और जिन्होंने सवाल खड़े किए व्यक्तिगत रूप से मैंने पूछा, उन्होंने सनी लियोनी की सारी पिक्चरें देखी थी। हम लोग दोहरा चरित्र जीते हैं, आचरण कुछ करते हैं, कहते कुछ हैं, अगर व्यक्ति का ये दोहरा आचरण खत्म हो जाएगा तो कितने ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे धार्मिक कट्टरता फैला दें, कितनी अश्लील बातें फैला दें, आपका मन मस्तिष्क आत्मा शुद्ध होगा तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहता। और बाकी आप कोई वस्त्र पहन लीजिए, मुंह से अच्छी अच्छी बातें करिए और रात को सनी लियोनी की पिक्चर देखिए और सुबह कहिए कि अश्लीलता फैल रही है, तो ऐसे हिपोक्रेटिक समाज से निकलना होगा, खुले मन से स्वीकार करना होगा कि 21वीं सदी का दौर है, बच्चों के बड़ों के हाथ में मोबाइल है, हर चीज उपलब्ध है दुनिया की, इसलिए दिमाग को इतना करिए कि आपको जो देखना है वो देखिए। दुनिया का कोई सेंसर बोर्ड आपके दिमाग पर सेंसर नहीं कर सकता, आपकी आत्मा, आपका मन, आपका मस्तिष्क ही आपको सेंसर कर सकता है। अगर उसमें कूड़ा भरेंगे तो कूड़ा देखेगा, उसमें पवित्र चीज भरेंगे तो पवित्र चीज देखेगा, कोई सेंसर बोर्ड आपको प्रतिबंधित नहीं कर सकता। अपना आचरण, अपना मन, अपनी आत्मा सुधारिए, सब कुछ अच्छा है, सारा सेंसर है, कोई धार्मिक टीका टिप्पणी आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन जहनियत खराब होगी तो सब कुछ गंदगी नजर आएगी, और जहनियत अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा नमाज समझ में आपको नजर आएगा। स्वाति चंद्रा, क्या इंसान के दिमाग में ही परेशानी है? जी बिल्कुल, सेंसरशिप की जरूरत नहीं है। जो लोग ये कहते हैं, कौन उनको कहता है कि आप वेब सीरीज के अश्लील दृश्य देखिए? जी बिल्कुल, इंसान के दिमाग में ही जो है गंदगी भरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का आपको भी पता है और हमें भी पता है और हमारी जनता को भी पता है कि क्या बिजनेस चल रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ आप अपने मर्जी से जाते हैं और आप अपने मर्जी से वेब सीरीज देखते हैं, तो आप इस पे जो सेंसरशिप की बात है जो हम सरकार से मांग रहे हैं वो उस पर हम सरकार से बिल्कुल डिमांड कर सकते हैं, लेकिन इंसान के दिमाग में वो वेब सीरीज पे नहीं देखेंगे, वो कहीं और प्लेटफॉर्म पे जाके ऐसी दृश्य देखेंगे, तो इंसान के दिमाग पे कंट्रोल होना चाहिए, इंसान जो सोचता है उस सोच पे कंट्रोल होना चाहिए, सेंसरशिप होनी चाहिए। जी आप तो कह रही थी कि सेंसरशिप होनी चाहिए, जो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता कह रहे थे शिशिर चतुर्वेदी।
जी देखिए, जितनी भी चीज़ें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आती हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड से आती हैं। आप किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख लें, वो सिर्फ इंडिया से नहीं होती है। तो अगर वो इंडियन फिल्म नहीं देखेंगे, वो इंडियन वेब सीरीज नहीं देखेंगे, वो फॉरेन की वेब सीरीज देखेंगे। तो जहाँ तक इंडिया की धर्म की और इंडिया की बात हो, तो अगर हम डिमांड करें, हम बिल्कुल सरकार से डिमांड करें, लेकिन एक इसका ये भी एस्पेक्ट है कि आपके दिमाग में जो गंदगी भरी है वो भी गंदगी साफ होनी चाहिए। आप इंडियन वेब सीरीज नहीं देखेंगे, आप फॉरेन वेब सीरीज देखेंगे, आप टर्किश वेब सीरीज देखेंगे। बिल्कुल, ये आपने एक सही मुद्दा उठाया है कि हम ओटीटी प्लेटफॉर्म कोई एक देश का तो है नहीं, उस पर तो पूरी वैश्विक चीजें हैं। आपको देखना देखिए, मत देखना मत देखिए, लेकिन क्या मैं उस पर आऊंगा कि दीपांकर महाराज इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक तौर पर होने की बात कर रहे हैं या फिर कोई वो फायदा उठाने चाह रहे हैं, उनका मकसद क्या है, वो अलग अलग मुद्दा है। लेकिन शिशिर चतुर्वेदी जो कि स्वाति चंद्रा कह रही हैं कि आप देखिए, आप यहाँ पर आप ये कर रहे हैं कि यहाँ पर सेंसरशिप होनी चाहिए, अगर जिसको देखना है वो विदेशी फिल्में देखेगा, आप कहाँ कहाँ सेंसरशिप लगाएंगे? और सबसे बड़ी बात, तो आपके फोन में है कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड, आपने कभी देखा? जी, ऐसा है कि जी हेमंत जी सुनिए, पहले हाँ। तो मैं इंडिया न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि क्योंकि आज आप जब टीवी खोलिए, देश के बड़े बड़े चैनल वो हमको क्या परोस रहे हैं, वो परोस रहे हैं रिया चक्रवर्ती जिन्होंने आजादी की लड़ाई छेड़ी, दूसरी कंगना रनौत और ऐसी हीरोइने जो जिनको अपने लिए पति ढूंढने के लिए भी सेकेंड हैंड पति मिलते हैं और उनको हम देखिए किसी के ऊपर व्यक्तिगत अभी आज 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 बहस का मुद्दा यही नहीं सुशील चतुर्वेदी, आप तो ये बताइए ना कि आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म से क्या तकलीफ है? नहीं नहीं सुनिए, आप कहते हैं क्या एक वेब सीरीज हिंदू धर्म की छवि बिगाड़ रही है? तो दिक्कत यहाँ ये है कि सेंसर बोर्ड बहुत जरूरी है भाई, सेंसर कहाँ लगाएंगे ओटीटी पे? सेंसर ये तो बता दीजिए सर कि गन्नाथ की गंदगी की जो बात आपने की, हाँ जो दिमाग की गंदगी की जो आपने बात की हेमंत जी, जी वो बात यहाँ आती, देखिए जो अपराध हो जाए समाज में, अगर आप ये कहिए कि वहां पुलिस ना हो, अदालत ना हो, दिमाग की गंदगी को साइकेट्रिक डॉक्टरों से सुधरवाया जाए, पुलिस की जरूरत क्या है, अदालत की जरूरत क्या है, आप अगर इस स्तर को वहां पर ले जाएंगे, सेंसर बोर्ड की जरूरत है, जो जिस फील्ड को कंट्रोल करता है वहां पर उसकी वहां जरूरत है। अच्छा, वेब सीरीज के क्षेत्र में चर्चा है, वेब सीरीज पे कंट्रोलिंग के लिए वहां उसकी जरूरत है, वो ठीक है सुशील चतुर्वेदी, लेकिन लेकिन स्वाति कह रही हैं कि वहां पर तो विदेशी फिल्में भी हैं और उन पर कौन सेंसर लगाएगा? आप अपने देश के कलाकारों को वहां की संस्थाओं को प्रतिबंधित कर देंगे कि आप आपके हिसाब से फिल्में बने, आपके हिसाब से धारावाहिक बने, लेकिन विदेशी फिल्मों पर कौन प्रतिबंध करेगा? जिसको देखना होगा वो वहां पर विदेशी फिल्में देखेगा जी, कोई दूसरा दीपांकर पैदा होगा, कोई दूसरा शिशिर पैदा होगा, कोई दूसरे संजय अच्छा। शर्मा पैदा होंगे, इन मुद्दों को उठाएंगे। आज क्रांति है देश में बदलाव को लेकर के, तो लोग जब उठाएंगे तो सरकार बदलने को तैयार है, एक अच्छी सरकार है देश में, वो कर रही है कुछ ना कुछ कार्य कर रही है ऐसे जो गलत कार्य करने वाले लोग उनके खिलाफ। अच्छा आप बताइए कि हिंदू धर्म को इससे नुकसान कैसे पहुंचता है, छवि हिंदू धर्म की वेब सीरीज कैसे बिगाड़ रही है और ऐसे आप ऐसी वेब सीरीज को क्यों देखते हैं? ऐसे तो पहुंचता है कि राम जी का चरित्र दिखाते हैं, इस कोरोना काल में राम जी का चरित्र दिखाया आपने, लोग खाली थे उन्होंने देखा, हमारी सीता भैया, हमारे कन्हैया महाराज, सबको लोग देखा, सबको अच्छा दिखा। दूसरी तरफ आप एक ही धर्म की कुरीतियों को इस प्लेटफॉर्म से परोस रहे हैं, क्या परोसा ये तो बताओ ना शिशिर जी, जैसे एक छोटा आप एक साथ बताइए क्या परोसा, धर्म का व्यक्ति नहीं पीता है आप बताइए ना, लेकिन आप उस शराबी को केवल हिंदू धर्म से जोड़ देंगे तो उसका मैसेज कुछ और जाएगा। संजय जी कौन हिंदू धर्म से जोड़ रहा है? तो आपको जैसे संजय जी कौन हिंदू धर्म से जोड़ रहा है? नहीं जो गलत बात है, जो गलत बात है किसी एक धर्म से जोड़ते हैं तब हम करें, कौन जोड़ रहा है? हमारे तो समुद्र मंथन पे लिख लीजिए मदरा, तो वो जोड़ने के समझते नहीं है,
क्योंकि हमारे तो सबूत मंथन ने पी मदरा, और अगर हम मदरा पीते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मदरा पीने में कोई इतना सरकार लाइसेंस देती है तो शराब इतनी बुरी चीज है। देखिए शराब संजय भाई, इसमें ऑब्जेक्ट ये है कि शराब कई प्रकार की है। एक विदेशी दारू जो अंग्रेज पीते थे उसको पी के शांति दे में मेडिसिन की तरह पी के सो जाते थे। एक देसी शराब जो ठेके पे जो बिकती है उसको पी के लोग नाली में गिरते हैं। वो गरीब लोग रिक्शे वाले, वो शराब और वो मदरा, दोनों में बहुत फर्क है। तो कोरोना काल में पूरी सरकार की इज्जत केवल शराब ही बचा रही है, सबसे बड़ा रेवेन्यू केवल शराब ही दे रहे हैं। तो अगर वो शराब को प्रमोशन कर रहे हैं तो ये समझना चाहिए कि सरकार ही शराब से चल रही है। तो मुझे, मैं फिर मुद्दे पे आता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई कमेंट किसी की धार्मिक भावनाओं को, किसी की धार्मिक मान्यताओं को इतना ठेस पहुंचा देगा कि धर्म पर सवाल खड़े होंगे। जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आप थोड़े अपने आप को बड़ा बनाइए, थोड़ा उदार बनाइए। अमेरिका में बैठे हुए नेटफ्लिक्स आजकल सब देख रहे हैं, हम क्या रोक लगा देंगे। दूसरी बात ना, कुछ चीजें जनता पे कहने वाली अच्छी होती हैं, जैसे बीफ मत खाओ, बीफ मत खाओ। बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया कि बीफ नहीं खाना है, और हमारे प्रधानमंत्री हो जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि बीफ रेट क्रांति। आपको पता है पिछले 6 सालों में बीफ का कारोबार देश में कितने कितने गुना बढ़ गया। तो ये बातें मंच पे कहने के लिए, ये बातें बहस में करने के लिए, ये बातें ट्विटर पे कहने के लिए अच्छी होती है। दीपांकर जी आज छाए हुए हैं केवल अपने इस मुद्दे पे, तो ऐसी मुद्दों पे करेंगे तभी हम लोग डिबेट करेंगे, तभी टीवी पे आएंगे, तभी नैतिकता के सवाल खड़े होंगे, तभी विरोध होगा और वो सीरियल होते रहेंगे। अब आश्रम का एक पढ़ रहा था ट्वीट कि आश्रम प्रकाश झा ने इतना गंदा बनाया है कि एक बाबा का चरित्र कर दिया, आश्रम में ये होता है। अरे भैया आश्रम बाबू के आश्रम में भी ये होता था, राम रहीम के आश्रम में भी ये होता था। अब अगर आश्रम में ये सब हो रहा है तो दिखाया जाएगा ना? अरे मदरसों में जो होता है वो भी तो दिखाओ, कलेजा वहाँ भी दिखाओ ना। निर्देशक जो बनाए हैं जिन्होंने, ये सब हिंदू हैं, प्रकाश झा ब्राह्मण है, उनके कलेजा नहीं है तो इस्लाम की बुराइयां दिखा सके, मोहम्मद साहब का चरित्र दिखाने की उनकी हिम्मत नहीं है। तो मेरी राय है कि अगर कोई ऐसा विषय है चतुर्वेदी जी पे, दीपांकर जी पे, किसी दूसरे धर्म के बारे में, तो इनको बनाना चाहिए, इनको देना भेजना चाहिए, बजाय हम लोग उसको आलोचना करें। तो दीपांकर जी कहें कि मैं दूसरे धर्म की कुर्ती बना रहा हूँ और मैं इसके डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, मैं इसे ट्वीट कर रहा हूँ, मैं इसे वीडियो बना रहा हूँ। तो सवाल यह है कि आप उस पर तो बनाएंगे लेकिन आलोचना जरूर करेंगे, सेंसर बोर्ड लगा दीजिए। सेंसर बोर्ड तो ये नहीं पता कि दुनिया के जैसे जो साथी जी ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म सारे इंडिया के नहीं है, तो आप उसको रोक ही नहीं सकते। और फिर वही बात, आपको जब देखना है तो 1000 जगह हैं, नेट पे खोलिए, साइट खोलिए, जो दुनिया की गंदगी, जो दुनिया की अच्छाई, सब कुछ आपके हाथ में, आपके मोबाइल पर है। तो आपको जो देखना है वो देखेंगे, अगर शराब पीनी है तो पिएंगे। तो अब वो नैतिकता की बातें हम केवल टीवी चैनल में बैठ के बहुत सुनाते रहे और कहते रहे तो ये अच्छा लगता है, सूट करता है आपको, आपका चरित्र को लोग बड़ा अच्छा मानते हैं। देखो कितनी नैतिकता की बातें करता है, शराब के बारे में बुराई करता है, शराब को छूता नहीं है, मैं देखता नहीं है, घर में बैठ के आराम से 5 पैक पी लीजिए, लेकिन टीवी चैनल बैठ के शराब की बुराई करिए, समाज में बैठ के शराब की बुराई करिए, तो ये शराब बड़ी बुरी चीज होती है। सरकारें एक तरफ आबकारी विभाग बनाती हैं और एक तरफ मद निषेध विभाग बनाती हैं। एक विभाग का अफसर कहते हैं शराब जो रूल पियो, दिन में पियो, शनिवार में लॉकडाउन में व्यापारियों की दुकान बंद है लेकिन शराब की दुकानें खुली हैं। मद निषेध विभाग कहता है नहीं मत पियो। तो हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि एक को प्रमोट करता है, दूसरा वही अफसर उसको पीछे खींचता है। तो ये नैतिकता की बातें मंच पे करने में बड़ी अच्छी लगती है, खूब पेड़ वर्क की जाती है, प्रसिद्धि मिलती है, वाई वाई मिलती है, लेकिन हकीकत यही है अगर आपके दिमाग में है लोचा तो उसका कोई राज नहीं है। आपको देखना है तो वही देखेंगे, आपको अगर भगवान राम देखें भगवान राम देखेंगे, और सनी लियोनी देखनी है तो सनी लियोनी देखेंगे। बात आप मंच पर भगवान राम की करेंगे, सनी लियोनी की नहीं करेंगे। यही आडंबर है जिस पे हम लोग जीते आए सदियों से, और यही आडंबर है जो हमको जकड़ा रहता है कि हम वही कुछ भी क्या, ये सबसे बड़ी समस्या कि क्या कहेंगे लोग, तो ये क्या कहेंगे लोग जो है ना, इसलिए हमारे चेहरे पे कई कई सारे आवरण कर देता है और हम अपने चेहरे के पीछे छुप जाते हैं और बातें करते हैं कि इसको सेंसर कर दो, उसको सेंसर कर दो। हम लोग आज तक चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देश में प्रतिबंधित नहीं कर पाए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी बढ़ती हुई समस्या है, छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप हो रहा है, 3-3 साल के बच्चों के साथ। हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बैन नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या इन OTT प्लेटफॉर्म को कैसे बैन करने की बात सोचेंगे? 3 साल की बच्ची, भगवान का रूप, छोटी सी चिड़िया, उसके सामने पड़ गए। ये मानसिकता ना भैंसीपन है, राक्षस है जी, ये दिमाग का राक्षस है ना, इनको खत्म। साथी कुछ लोग इसलिए सवाल उठाते हैं इस तरह के ताकि वो चर्चाओं में आ सके। संजय जी जो कह रहे हैं, देखिए भारत में तो आपके आप जो चाहें वही बात शराब की हो
चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब सीरीज के हो, आप अगर चाहते हैं शराब पीना तभी आपको कोई शराब पिला सकता है। यहाँ पे इस वक्त कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता कि नहीं आप पी लो, या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म जो वेब सीरीज हैं जो लोगों को पसंद नहीं आ रही है और जो कह रही है कि हिंदू धर्म पे सवाल उठ रहा है, तो वो मुझे नहीं लगता कि, और जो लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म पे सवाल उठ रहा है वो बताएं मुझे ना, वो बताएं मुझे कौन से ऐसे वेब सीरीज हैं जो हिंदू धर्म पे और जैसी चीजें ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। मेरा एक इकलौता एक ही सवाल है कि आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भारत के वेब सीरीज पे सेंसर बोर्ड लगा देंगे, लेकिन पूरी दुनिया से जो वेब सीरीज बन के अपलोड हो रही है उस पे कैसे बैन लगाएंगे? वेब सीरीज कभी भी टीवी पे दिखाई नहीं जाती, वेब सीरीज के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी चॉइस है। तो अगर आपकी चॉइस है कि आप सब्सक्रिप्शन लें, आप वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म को पेमेंट करें और फिर वैसी वेब सीरीज देखें, उस पे आपको कोई नहीं रोक लगा सकता है। आपकी सोच पे आपको खुद रोक लगाना पड़ेगा अगर आपको ऐसी चीजें नहीं देखनी है। बिल्कुल शिशिर चतुर्वेदी, क्या कहेंगे? ये सीधा सीधा सवाल स्वाति ने पूछा है आपसे कि पहले तो आप बताइए कि कौन सी ऐसी वेब सीरीज है जिससे आपको लग गया कि हिंदू धर्म खतरे में आ गया जी। और जो सवाल संजय शर्मा उठा रहे हैं कि क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है एक वेब सीरीज चल जाता है जी। नहीं, संजय शर्मा जी ने एक बात अच्छी कही कि क्यों नहीं जो गलत दूसरे धर्म है उन पे बात उठाने के लिए कोई फिल्में क्यों नहीं बनती है। तो उस पर मैं बताना चाहता हूं कि कमलेश तिवारी जिनकी हत्या कर दी गई, वो कमलेश तिवारी जी की लड़ाई मैंने पूरी लड़ी। कमलेश तिवारी जी की हत्या का एक प्रमुख कारणों में एक ये था कि वो एक फिल्म मोहम्मद साहब की के ऊपर जो किताब लिखी गई थी रंगीला रसूल, उसके ऊपर फिल्म बनाने जा रहे थे, जिस उस वजह से रसूल का चरित्र चैनलो के माध्यम से फिल्म के माध्यम से जनता के बीच में ना आ जाए, इसको लेकर के उनका कत्ल किया गया। तो ऐसे अपराधी ऐसे क्रिमिनल माइंड हिंदू धर्म में भी बहुत हैं जो आए दिन इस तरह से कत्ल करते हैं, मर्डर करते हैं जी, उनको आप छोड़ दीजिए। अपराधियों की कोई जाति धर्म नहीं होता कि किसने किसका कत्ल कर दिया उसको हम किसी धर्म के नाम पर देखें। आप तो सवाल का जवाब दीजिए ना शिशिर जी, आप ये बताइए ना कि कौन सी वेब सीरीज इस वक्त आपको लग रही है कि हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा रही है, या फिर दीपांकर जी को लगती है कौन सी वेब सीरीज है? एक है, कौन सी तो बताइए। एक फिल्म है, एक नाटक है, एक वेब सीरीज है, तमाम उदाहरण है। आपको पता है, आपको पता है ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है जी? पता है जी 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 बिल्कुल है। बताइए आप ओटीटी की प्लेटफॉर्म क्या है, क्या है यूज करते हैं, इसमें सब कुछ है। क्या क्या है ओटीटी प्लेटफॉर्म बताइए जी, बताइए ना ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है। आज 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 जो आठवें और सातवें का जो बच्चा है वो भी जानता है कि ये, आप बताइए ना, वो जानता है नहीं जानता, आप बताइए, भरोसा जाता है। शिशिर जी आप बताइए ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है जी, क्या समझते हैं आप? मैंने जो कहा, मैंने जो बात आपसे कही, हाँ। जो हिंदू धर्म की कमियों को उजागर करने की काम तो ठीक है, वो वाली बात तो मैं समझ गया आपकी, लेकिन ये ओटीटी प्लेटफॉर्म भला क्या है जिसको लेकर के आप इतने आशंकित होंगे कि हिंदू धर्म पर ही पूरा आघात कर रही है? ये ओटीटी प्लेटफॉर्म आप क्या समझते हैं इससे, क्या है ये? नहीं, रंगीला रसूल जब दिखाई जाती है, छोड़िए ना रंगीला रसूल को, ये निर्माता ओटीटी है क्या? ये जो हम ओटीटी ओटीटी कर रहे हैं ओवर द टॉप, क्या है ये जिससे आपको लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में आ जा रहा है? जी ये ऐप है जिसके अंदर गंगी परोसी आ रही है। ये कौन सी ऐप है? जरूरत है, हम नहीं देखेंगे यहाँ तक तो बात जरूरी। आपने देखी कोई ऐप ऐसी? लेकिन इसमें आजादी जो दी गई है शिशिर जी, जो जो ठीक है बोलते रहेंगे, खिलाफ जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उसको लेकर के बात है ना। ये सुन तो लीजिए मेरी बात जी। देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिस पर अलग अलग कंपनियों की अलग अलग वेबसाइट हैं, जैसे हॉटस्टार। आप मुझे पता है कि आपको नहीं पता, लेकिन आप इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं धर्म खतरे में आ गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन आपको नहीं पता। अभी आप मेरे को मोबाइल दिखा रहे हैं, आपके मोबाइल में हॉटस्टार है क्या? मैंने नहीं कहा धर्म खतरे में आ गया, मैंने ये कहा आप बताइए ना
हेमंत जी, मैंने धर्म खतरे में नहीं कहा, मैंने कहा इसी धर्म में आपने तो कहा सबसे पहले फिरते दीपांकर जी ने जो मुद्दा उठाया ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े शब्दों में कि हम सेंसरशिप की मांग करते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, आपके फोन में हॉटस्टार डाउनलोड है जी? है क्या? हाँ या ना? मैं नहीं है, सुनिए, नहीं है ना? ओटीटी हमारे में नहीं है। अभी तो आप बोल रहे थे ये फोन है, इसमें सब कुछ है, हमको नहीं जरूरत है ऐसे ऐसे। अभी आपको मैं बताऊं, शिशिर जी, आपको अभी जानकारी नहीं है इस पूरे मामले की। हम तो, मैं तो दीपांकर जी के वक्त, दीपांकर जी ने अगर देखी होगी हॉटस्टार पर या नेटफ्लिक्स पे जाकर के फिल्में, तो उन्होंने पैसे चुकाए होंगे उसके बाकायदा, और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया होगा कि हिंदू धर्म यहाँ पर खतरे में आ रहा है जी। लेकिन आपने, चूंकि आपने अभी देखिए किसी भी वेब सीरीज को मुझे लगता है देखा नहीं है, शिशिर जी, उस प्रश्न का जवाब दीपांकर जी देंगे। हाँ, वो उनका जवाब देंगे, लेकिन मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए सुनिए, जरूरत भी नहीं है वो उसको देखने की। शिशिर जी, समझ तो लीजिए सर, आप बोलते बहुत हैं, जो धार्मिक ग्रंथ है उनके बारे में पढ़ना पसंद करेंगे। शिशिर जी, ये जो प्लेटफॉर्म है उसमें अलग अलग वेबसाइट कंपनियों की है, वो कंपनियां अलग अलग फिल्मों वालों से, सीरियल बनाने वालों से पैसे लेते हैं इस बात के अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाने के। अगर आप उसे देखना चाहेंगे तो आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा उनको। अब बताइए, अब समझ में आया आपको? जी 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 जी। अब अगर दर्शक चाहेगा गलत देखना, वो पैसे देकर के देख रहा है, तो आपको आपत्ति क्या? सारी ठेकेदारी आपने ले ली धर्म की जी। अब उसमें हिंदू भी देख रहे हैं, मुसलमान भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। धर्म की ठेकेदारी हम लोग नहीं ली है। अगर एक धर्म के ही बारे में अगर गलत सारी कुरीतियों को दिखाया जाएगा तो फिर, अरे भाई कहाँ दिखाया जा रहा है एक धर्म के बारे में, ये बता तो दीजिए ना। रंगीला रसूल पे दिखाओ, उसको बनाओ जी। वही वाली बात आपने, मुझे लगता है सिर्फ एक बात पकड़ ली, जब रंगीला रसूल बनाने की बात रंगीला रसूल पकड़ लिया आपने, उसके अलावा आपको भी पता नहीं कि चल क्या रहा है। बिल्कुल स्वाति, आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, शिशिर चतुर्वेदी जी बड़े बड़े शब्दों में कह देते हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी उन्होंने कोई वेब सीरीज देखी नहीं है। शिशिर जी, आप पहले पता करिए, वेब सीरीज जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म, आपको सबसे पहले तो जाके डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपकी खुद की इच्छा होगी तभी आप डाउनलोड करेंगे, कोई आपके फोन में जबरदस्ती डाउनलोड नहीं कर सकता। उसके बाद आपको उसके सब्सक्रिप्शन के पैसे देने पड़ेंगे और फिर आपको सारी फिल्में दिखेंगी। सुना आपने, पूरी दुनिया से वेब सीरीज दिखाने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म खरीदती है, वेब सीरीज खरीदती है, और उसके बाद आपको उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। वेब सीरीज कभी भी टीवी पे नहीं आती, कहा जाता है कि ओटीटी पे नहीं है। अच्छा, पूरी फिल्म इंडस्ट्री, हाँ पूरी फिल्म इंडस्ट्री की लड़ाई यहाँ पर ओटीटी से लेके सभी जगह से की है। शिशिर जी के वो फिल्म इंडस्ट्री क्यों दिखाता है? आमिर खान की चाहे फिल्में हो, चाहे सलमान खान की बिल्ली हो, उसमें 786 महान हो जाता है। शिशिर जी आपने केदारनाथ का भी विरोध किया था, भूल गए आप? हलाला पे बात करो तो उस पर कोई बात नहीं करेगा। सुशांत को लेकर के जो खड़े होते हैं ना, उन्होंने केदारनाथ का भी विरोध किया था, सुशांत का भी उस आधार पर विरोध किया था जी। कौन थे वो लोग? जी जी, एक सुशांत पे रिया चरित का पूरा वो चित्र दिया जा रहा है। रिया पे रिया चक्रवर्ती का फैसला कोर्ट कर लेगा। आज वो गई शिशिर जी, उसका फैसला कोर्ट कर लेगा। आज वेब सीरीज वाली बात कीजिए, संजय जी, इतने बड़े बड़े शब्दों में कह रहे हैं, स्वाति कह रहे हैं कि आप तो पैसे चुका करके कुछ भी देखने के लिए आजाद हैं कि नहीं है इस देश में? किसी का धर्म खतरे में पड़ जा रहा है, कोई कह रहा है वेब सीरीज पर सेंसरशिप होनी चाहिए। मैं तो सीधा पूछ रहा हूँ, मुझे उस वेब सीरीज का नाम बताइए। हिंदू महासभा से, प्लीज बताइए मुझे, हिंदू महासभा से है शिशिर जी। वो इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन अभी उनको पता नहीं है वेब सीरीज का मसला क्या है, मामला क्या है, लफड़ा क्या है। वेब सीरीज में सारे अपराधियों पर तमाम फिल्में बनती चली आ रही, वेब सीरीज में उनको किसी महान चरित्र पे उस वहां वो नहीं दिखती है। उनको दाऊद पे पिक्चर बनानी है, उनको अतीक अहमद पे बनानी है, उनको मुन्ना बदरंगी बनानी है, अपराध जगत से रिलेटिव।
जो हमारी पुरातन संस्कृति थी, धर्म था, उस पर चर्चा करें तो हम लोग पैसा खर्चा करके उसको देखेंगे। जितनी बहुत अच्छी चीज है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरा योग का सेगमेंट भी है, पूरी धार्मिक धार्मिक कथाएं भी है, वो देखिए रामायण गीता सब कुछ है, वो देखिए आप पूरे दिन भर क्यों जाते हैं ऐसे लोगों की वेब सीरीज देखने के लिए। तो अगर कोई नहीं देखेगा तो अपने आप नहीं बनाएंगे, लोग देख रहे हैं इसलिए बना रहे हैं। हम लोग नहीं जाते। हाँ आप नहीं जाते, मुझे अब आज पता चला, क्योंकि आपको तो अभी पता ही नहीं है कि ये लफड़ा हॉटस्टार का क्या है, नेटफ्लिक्स क्या है। आपको तो ऐसे किसी ने कह दिया हिंदू धर्म वाला बात उठाना है तो आप आ गए कि ठीक है उठा देते हैं। अब स्वाति आपसे बार बार पूछ रही है कि आप बताइए ना एक वेब सीरीज जिसमें आपको लगता है कि हिंदू धर्म के प्रति गलत दिखाया गया है, अब आप बता नहीं बताएंगे नहीं जी। जी जी देखिए शिशिर जी, इंडिया में आप सेंसरशिप, एक बार सुनिए आप स्वाति को, सुनिए कुछ कह रही हैं जी स्वाति बोलिए। इंडिया में सेंसरशिप, आप इंडिया में सेंसरशिप बोर्ड लगाते हैं, आप बता रहे हैं बहुत गलत गलत चीजें दिखाई जाती हैं, लोग छोटे कपड़े में होते हैं और बहुत सारी चीजें जो आप बता रहे हैं दृश्य अच्छे नहीं होते, हिंदू धर्म के खिलाफ है। इंडिया में अगर वेब सीरीज सेंसरशिप बोर्ड लग जाती है, स्वाति जी ये बात मैंने नहीं कही, ठीक है मैं मानती हूँ आप कह रहे हैं हिंदू धर्म के खिलाफ है, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, आप बताइए कौन सी ऐसी वेब सीरीज है जो हिंदू धर्म के खिलाफ दिखाई गई है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दिखाई गई, सिर्फ और सिर्फ मेरा सवाल आपसे कितना है। देखिए इंसान के सोच में होता है, मैं नहीं चाहूंगी मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म ना डाउनलोड करूंगी ना उसके लिए पैसे दूंगी। जितनी भी जनता भी सुन रही है उनके लिए भी सेम गोज विद एवरीवन, आप नहीं चाहते थे अभी तक आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई भी वेब सीरीज नहीं देखी, देखिए सारी चीजें आपकी चाह पे होती है। दूसरी बात है आप प्रैक्टिकल समाज में हर जगह देखिए ना, हम लोग जो लोग हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, आप भी स्वाति जी जिस शहर में होंगी और मैं भी जिस शहर में होता हूँ, जब मिशनरी स्कूल के कॉलेज के फॉर्म खुलते हैं तो वही भारतीय संस्कृति की बात करने वाले, वही ईसाईयत को कोसने वाले उन मिशनरी स्कूल में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए लाइन लगाए रहती है। मैंने तो खुद देखा है, मैंने तो पूछा आप क्या क्या कर रहे हैं, ये तो ईसाईयत का स्कूल है। तो आप, मैंने फिर वही कहा था आपको बढ़िया प्लेटफॉर्म पे बैठ के टीवी पे हिंदू धर्म की बातें करनी है, राष्ट्रवाद की बातें करनी है, नैतिकता की बातें करनी है, बच्चा आपको क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाना है, अस्पताल की नर्सें आपको क्रिश्चियन चाहिए। तो अपने 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 मतलब जहाँ सिद्ध होते हैं वहाँ राष्ट्रवाद भी आ जाता है, वहाँ धार्मिक आस्थाएं भी आ जाती हैं और वहाँ सब कुछ आ जाता है, लेकिन जब व्यक्तिगत नहीं होता है, समाज के सामने कहना होता है तो वही सारी बातें समाज के सामने कह दी जाती हैं। तो एक वो दोहरा चरित्र जो, लेकिन संजय जी मेरा एक सीधा सीधा सवाल है आपसे, संजय जी मेरा एक सीधा सीधा सवाल है, जब हम एक तरह से सोचते हैं तो दूसरी तरफ से जब कुछ लोग इन दिनों एकता कपूर की वेब सीरीज को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिरकार एकता कपूर बिना कंटेंट के अगर कोई चीज आ रही है बिना सेंसरशिप के उसमें कोई कुछ भी अगर परोस रहा है तो क्या आपको लगता है वो भी सही है? अब बाकी की नहीं तो हम अपने देश की तो बात कर सकते हैं ना संजय जी, उनकी सीरीज में अश्लील है। मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ जी कि आज विरोध यह हुआ कि एकता कपूर कुछ ज्यादा वल्गर चीज दिखा रही है, छोटे कपड़े दिखा रही है। अरे भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसका देवता भी काम देवता है, हमारे खुजराव के मंदिर है, कामशास्त्र के मंदिर है, बैतूल करती हुई मूर्तियां हैं, हम कामशास्त्र में बात नहीं करते हैं, हमारे दिमाग में कामशास्त्र रहता है, जवान में भगवान रहता है, हम बात नहीं कर सकते। जिस जो देवता है हमारा काम देवता, हमारी मूर्तियां हैं मैथुन करते हुए, हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस लड़की ने छोटे कपड़े को पहन दिए। अरे भाई हमारे संजय जी बात छोटे कपड़ों की नहीं है, अगर बात कोई ऐतिहासिक कंटेंट है उसको भी गलत तरीके से प्रचारित कर रहा है, क्या हमारी गालियों की भी मूर्तियां हैं? तो बिना कपड़े अपने बच्चों को भेजा कीजिए ना सर, गालियां भी वेब सीरीज में होती है, बीवी बच्चों को काम से उसको देख के आप नंगे भेज दीजिए ना शर्मा जी, किशोर जी अपने बच्चों को अपनी बीवी को बिना कपड़ों भेज दिया कीजिए। अगर गालियां देखना पसंद कर रहे हैं वही वाली जो स्वाति जी ने कहा, आप उन सीरियल में मत जाइए ना, आप क्यों कह रहे हैं, कौन कह रहा है नेटफ्लिक्स देखिए, आप कौन कह रहा है एकता कपूर को देखिए, मत देखिए, जब आप देखेंगे नहीं तो प्लेटफॉर्म चलेगा नहीं, जो माल वहीं बिक रहा है ना खरीदार होंगे, अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे ही नहीं, आप सिर्फ वहां जाएंगे महाभारत जी
जो वेब सीरीज इन दिनों आ रही है, उन वेब सीरीज में आपको पता क्या क्या दिखाया जाता है? गालियां सरेआम उन वेब सीरीज में है, भद्दे दृश्य उन वेब सीरीज नहीं, में हम ये अभी अभी संजय शर्मा जी ने कहा कामदेव के ऊपर जो बात कही हाँ। उस पे मैं कहना चाहता हूँ का कामदेव की जो बात की कि बिना वस्त्र वाली बात, तो क्या हम अपने बच्चों को निर्वस्त्र करके भेज दे सड़कों पर? वो परोसा जाए टीवी पे, जो हमारे बहुत से कम लोगों को मालूम होगा बेडरूम में भगवान की फोटो नहीं लगाई जाती है, ये मालूम है क्यों नहीं लगाई जाती है? इसका कारण मालूम है? लेकिन कामदेव की बात करेंगे, माता दुर्गा जी की बात नहीं करेंगे, सीता मैया जी का जो चरित्र है उस पर नहीं बात करेंगे? हमने जो प्रश्न किया ना तो उसपे स्वाति जी ने कहा, ना आपने बताया, ना संजय भाई ने बताया। मैंने कहा तमाम फिल्में बनी है, फिल्में और नेटफ्लिक्स और ये जो वेब सीरीज है इन सब में जहाँ भी हिंदू धर्म की कुरीतियों को दिखाया जाता है, अन्य किसी धर्म की कुरीतियों को क्यों नहीं दिखाया जाता? फिल्म हमेशा सेंसर बोर्ड से पारित होकर के आती है, ठीक है? मैं आपको अंतर बता देता हूँ, फिल्म में और वेब सीरीज में अंतर है। फिल्म कम टाइम की होती है, 2.5 घंटे की ज्यादा से ज्यादा फिल्म होती है। वेब सीरीज के कई कई पार्ट होते हैं, 10 पार्ट 15 पार्ट, और एक एक वेब सीरीज जो है 12-12 घंटे 15-15 घंटे तक की भी हो बिल्कुल, सकती बिल्कुल है, होते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। फिल्म सिनेमा में लॉन्च होती है, पर्दे पर आती है, और जो वेब सीरीज बनाते हैं वो इस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आती है, जहाँ पर आपके हमारे बच्चे, हम जैसे लोग या दीपांकर जी जैसे लोग जो, जिनको वेब सीरीज जो पसंद आती है, सुनिए ना सर, बात कर रहे हैं उनके खिलाफ जो बनाते हैं उस पे बात हो रही है। वही तो बात बता रहा हूँ आपको, वही तो बात बता रहा हूँ। वहां पर दीपांकर जी जैसे लोग, साधु संत, युवा वर्ग, बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं पुरुष, सभी जिसको जिस वेब सीरीज को देखना होता है उसके लिए पैसे चुकाता है, पहले तो सब्सक्रिप्शन लेता है, उसके बाद वो वेब सीरीज देखता है। अब बताइए इस पर तो सेंसरशिप होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हम लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल में भी तो पैसा चुकाते हैं, तो क्या अधिकार दे दिया जाए कि इनको हिंदू धर्म के खिलाफ परोसने का? अब की बार आपने सही बात की। इस पर स्वाति कुछ कहना चाह रही हैं आप? स्वाति, फिल्में टीवी पे भी दिखाई जाती है, टीवी पे भी दिखाई जाती है, वेब सीरीज टीवी पे नहीं दिखाई जाती, टेलीविजन पे कभी भी टेलीकास्ट जब पुरानी हो जाएगी वहां भी पैसा उनको मिलता है एड के माध्यम से। स्वाति जी, उनको भी एड के द्वारा पैसा मिलता है, उनको ये अधिकार नहीं दिया जाएगा कि नंगा चित्रण करें। रिया चक्रवर्ती पे भी बात चल रही है, कब से 20 बॉयफ्रेंड बदलने वाली रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत, ये इन सब के चरित्र हम लोग देखने के लिए थोड़ी ना जाएंगे पैसा खर्चा करके। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे, आप धर्म की बात कर रहे थे, अभी आप किसी, अरे हमें बोल रखे सारे चैनल दिखा रहे हैं, उंगली उठा सकते हैं आप? उनको जानते हैं आप? उनकी लाइफस्टाइल जानते हैं आप? कंगना किसी नहीं उठा रहे, सारे चैनल में चल रहा है, सारे उसमें चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है। नहीं आप नहीं कह सकते, हाँ बिल्कुल जानते हैं, अभी आपकी अदालत में कली दिखाया जा रहा था, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया चैनल में, उन्होंने कहा मेरा जो ऋतिक रोशन के साथ चक्कर, उससे पहले 6 महीने में उनके साथ में मेरा संबंध रहा है, वो खुद ही बोल रहे थे। क्यों आप उनके संबंध के बारे में बता रहे हैं? लेकिन आप कहाँ चले गए? संजय शर्मा जी की आवाज बंद, साथी समझाइए, साथी जवाब दीजिए इनकी बात का। सुनिए, हमारी बात ओटीटी प्लेटफॉर्म तक है, देखिए हमारी बात ओटीटी प्लेटफॉर्म तक है, तो हम ओटीटी प्लेटफॉर्म तक ही रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, किसी की व्यक्तिगत जीवन है, सुन तो लीजिए सर, किसी का व्यक्तिगत जीवन है, उसमें वो किसी से प्यार कर रहा है, किसी से प्यार कर रहा है, नहीं कर रहा, आपको क्या लेना देना? आप हर जगह हिंदू धर्म थोड़ी गुस्सा देंगे। है बिल्कुल लेना देना यहाँ पर आ जाता है, लेना देना यहाँ आ जाता है,
कि आप जैसे अच्छे चैनल वाले एक अच्छी बात को उठाते हैं और हमको दूसरे चैनल ये परोसते हैं कि ऐसे महान चरित्रों को परोसा जाता है। अब वो घर से निकली, अब कार में बैठ गई, इन्होंने गुस्सा दिखाया, उन्होंने लाद दिखाया, सुबह से शाम उनके पास पत्रकारिता में यही चर्चा नहीं करते। देखिए जो गलत है उसको छोड़िए, अच्छे की बात हम लोग करते रहे जी। जो अच्छे की बात कीजिए ना, आपको कौन कह रहा है, आप अपने फोन में वेब सीरीज डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड कीजिए। और शिशिर जी बैठ करके वो खराब वाले सीन देखिए, कौन कहता है आपको जी। अरे सिनेमा हॉल हमारे घर के बगल में, वहां देखेंगे, हमारे पास नहीं है वेब सीरीज, सिनेमा में नहीं आता। कितनी बार बोल दिया शिशिर जी आपको, हमारे पास संजय जी। और कितना परसेंट वेब सीरीज देखता है संजय जी, कितने परसेंट वेब सीरीज देखते हैं लोग संजय जी। ये एक बार बार में वो पता नहीं कौन सी किताब का जिक्र कर देते हैं, ले आते हैं बीच में, इनके दिमाग से कैसे निकाली जाए। रंगीला रसूल बोलने में भी डर लगता है, रंगीला रसूल, रसूल जो था रंगीला था, उस पर पूरा मुकदमा चला। आपको जानकारी कर दूं हेमंत जी, अरे छोड़िए ना सर, रंगीला रसूल पर डिबेट थोड़ी कर रहे हैं। ब्रांडिंग आती है हिंदू महासभा की, वो आएगी नहीं। लेकिन संजय जी यूएसपी है हिंदू महासभा की, अगर वो ये शब्द नहीं बोलेंगे, ये शब्द नहीं बोलेंगे काम नहीं चलेगा। संजय जी आप मुझे ये बताइए कि जो शिशिर जी कह रहे हैं कि देखिए इस तरह की चीजों पर लगाम लगनी जरूरी है, वो अलग अलग अपने ताक भी दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, बिल्कुल मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूँ कि दुनिया में किसी भी चीज पर प्रतिबंध लगना चाहिए। व्यक्ति को जीने की आजादी है, उसका मौलिक अधिकार है। अगर खराब होगा तो उसको खुद नहीं चुनेगा, अच्छा होगा तो उसको चुनेगा। आप किसी को डंडा मार के ये कहें कि तुम्हें ये खाना है, तुम्हें ये नहीं खाना, तुम्हें इस रंग को पहनना है, इस रंग को पहनना है, तो ये संभव नहीं है। हर व्यक्ति के जीने की आजादी है, वो क्या देखेगा, वो क्या पहनेगा। लेकिन संजय जी एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारा संविधान सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है, हमारा संविधान किसी भी धर्म की बेइज्जती करना नहीं सिखाता है, सबका सम्मान करना सिखाता है। अगर किसी के धर्म के खिलाफ कुछ बुराई परोसी जाती है तो उसका तो खंडन किया जाता है। मैं तो बिल्कुल करता हूं सभी धर्मों का सम्मान, हाँ, चाहे वो किसी भी धर्म के खिलाफ हो। नहीं हेमा जी वैधानिक व्यवस्था है, वैधानिक व्यवस्था है। देखिए ना, गोलियों की राजनीति का नाम केवल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वजह से बदला गया, पिक्चर का नाम बदला गया। आप जब आपको धार्मिक पे चोट, आस्थाओं पे चोट लगती है तो माननीय उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां जाइए, वैधानिक हल ढूंढिए ना, सवाय उसके कि आप नियमों को कायदे का अंधा कानून बन के आप किसी का न्याय। तो संजय भाई वैधानिक कानून में जब सेंसर बोर्ड की बात आई तो संजय भाई आपने क्यों कहा सेंसर बोर्ड नहीं होना चाहिए, ये वाली सीरियल बंद कर दी जाए, ये धान लगाना बंद की जाए, कोर्ट देखेगा। अगर कानून के दायरे में आ रहे हैं तो 100% बंद किया जाएगा, और कानून के दायरे में नहीं आ रहे हैं तो इस देश में, दुनिया का ये इकलौता देश है लोकतांत्रिक देश है जहाँ सबको ठीक है। कमेंट आखिरी में एक कमेंट, अगर अगर जिन लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, जिन लोगों के दिमाग में ही गलत है, उनका क्या किया जाए? वो तो बस यही करेंगे कि मन में राम और बगल में स्वाति मिल जाए, राम पकड़ के पीटा तो मन में कुछ होगा, दिमाग में कोई इलाज नहीं है। जिन लोगों के दिमाग में गंदगी है उनका क्या करें जी? उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, वो गंदगी वेब सीरीज नहीं भी बनेगी तो भी वो कहीं ना कहीं चीजें चलती रहेंगी, वेब सीरीज बने ना बने। और इंसान के सोच को आप नहीं बदल सकते हैं, किसी भी इंसान के सोच को आप नहीं बदल सकते हैं, वो आपकी सोच पे है, आपकी सोच सही रहेगी तो आप जैसे कि अभी शिशिर जी ने खुद बताया कि वो नहीं देखते हैं वेब सीरीज, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ये उनकी चॉइस है, वो नहीं देखना चाहते हैं वेब सीरीज। नहीं देखते हैं, इसके बावजूद भी कहते हैं कि इस पर सेंसरशिप होनी चाहिए, जो इन्होंने देखा नहीं है, जिससे इनका वास्ता भी नहीं पड़ा, उसके लिए भी कह देंगे कि यहाँ पर भी हिंदू धर्म का खतरा है। तो कुछ कुछ तो अफवाहों के आधार पर चल रहा है ज्यादातर चीजें, किसी पर कोई लगाम लगाने की अभी जरूरत महसूस नहीं हो रही। आप लोगों को लगता है हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं है, इसको निकाल लीजिए। सैकड़ों इस्लाम के अकबरों को झेला, ईसाइयत का जो हमले देखे, आज भी धर्मांतर लव जिहाद जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन आज भी लड़ रहा है हिंदू सनातन धर्म बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि आपको एक बार वेब सीरीज देख लेनी चाहिए जी, कोई ना कोई। स्वाति आखिरी कमेंट एक। अरे नहीं भैया, 18 घंटा अभी तो आप कह रहे थे मेरे मोबाइल में सब कुछ है, अब सब कुछ सामने आने लगा तो आप कह रहे हैं कि मैंने नहीं देखूंगा। नहीं है,
देखिए हमारे फोन में वेब सीरीज देखने के वो ऐप हमने नहीं डाउनलोड कर अभी रखा। तो वेब सीरीज के नाम पर बड़ा फोन दिखा रहे थे आप। हम सिनेमा दीपांकर महाराज क्यों देखते हैं उनको आप कहिए, ऐसी चीजें गलत मत देखा कीजिए। हिंदू धर्म पे कहीं कोई खतरा नहीं स्वाति। दीपांकर जी से बात करके आप अपना अपने एंकर को भेजिए और उनको अपने कैमरामैन उनको भेजिए और उनसे पूछिए, उसका जवाब वो दे सकते हैं। चलिए अब हमारे पास समय नहीं है, माफी चाहता हूं आप सभी से। संजय शर्मा जी शुक्रिया आपका, शिशिर चतुर्वेदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार आप वेब सीरीज के बारे में जानेंगे, देख करके आएंगे तभी मानेंगे हम आपकी बात। स्वाति चंद्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के वेब सीरीज को लेकर के आवाज उठिए, सबको अपनी बात कहने का इस देश में अधिकार है और इस आधार पर सरकार को फैसला करना है कि आखिरकार क्या वाकई गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वेब सीरीज जो एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है उस पर जहां पर ओटीटी पर आकर के रिलीज की जाती है उसमें जो जिन लोगों को देखना वो देखें, जिनको नहीं देखना वो नहीं देखें। नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे, जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं, शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। मेरा ब्यूटी फिल्टर है वीको टर्मरिक क्रीम, इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। अब से ये मेरा भी ब्यूटी फिल्टर वीको टर्मरिक क्रीम, 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा।